मैडम इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए सेक्शन स्टार्ट हम किए थे, तो हमने 83 नंबर तक इसके पहले डिस्कस किया था, तो आज इसके आगे से हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए माय इंडिया के साथ। माय इंडिया चैनल प्रॉपर रूप से आपके साथ लगा हुआ है। यहाँ पे जो कि दिया हुआ 84 नंबर की परावैगनी कीड़ों का उपयोग होता है तो रोगाणु नाशक प्रक्रिया में, तो परावैगनी कीड़ों का उपयोग होता है तो रोगाणु नाशक मारिएगा, बी मत मारिएगा, सी मत मारिएगा, डी मत मारिएगा। तो जो कि रोगाणु नाशक प्रक्रिया, तो रोगाणु नाशक प्रक्रिया मार के आइएगा, जो कि आरआरबी बंगलुरु परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। तो कहते तो इसका एक्सप्लानेशन देखेंगे। तो परावैगनी कीड़े एक प्रकार का चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदन प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी एवं कोमल एक्स किरणों से अधिक होता है। इसकी खोज 1801 में जोहान्स विलहेम रिक्टर ने की थी। सूर्य की प्रकाश किरणें में बहुत अधिक ऊर्जा निहित होती है। इस किरणों की अधिक मात्रा से शरीर की त्वचा झुलस जाती है और त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। तो जो दिया गया माय इंडिया चैनल उसी को डिस्कस कर रहा है, बाकी प्रॉपर नोट आपके सामने है, बस आप बने रहिए। तो जो कि यहाँ पे सूर्य की परावैगनी कीड़ों में बहुत अधिक ऊर्जा निहित होती है। इस कीड़ों में अधिक से अधिक मात्रा में शरीर की त्वचा झुलस जाती है और त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। कम मात्रा में इन कीड़ों से कुछ लाभ भी नहीं होता, इससे कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप रोगाणु नाशक प्रक्रिया में मार के आइएगा, जो कि 84 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आरआरबी बंगलुरु परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। इसके बाद 85 नंबर के प्रॉब्लम को देखेंगे, तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 85 नंबर का प्रॉब्लम, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य में से गुजरती है तो 15 डिग्री का विचलन कोण हो जाता है। अगर आपतित किरण का मान 60 डिग्री हो तो उस द्रव्य का अपवर्तनांक होगा तो जो कि अंडर रूट 2/3 होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ए मार के आइएगा। तो एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री का विचलन कोण हो जाता है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री हो तो उसका अपवर्तनांक अंडर रूट 2/3 होगा। तो कैसे होगा, तो बने रहिए माय इंडिया के साथ। माय इंडिया चैनल प्रॉपर रूप से आपके साथ लगा हुआ है, जो कि आरआरबी गोरखपुर परीक्षा एएलपी 2002 में पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट अपवर्तनांक जो है, यहाँ पे अपवर्तनांक एन बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। तो फिर यहाँ पे जहाँ पे आप तीत कोड उसके बाद आर परावर्तन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई बराबर 60 उसके बाद आर 60 में से 50 घटा देंगे तो 45 आर बराबर 45 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपवर्तनांक जानते हैं साइन आई आई बाई साइन आर। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक होगा तो अंडर रूट 2/3 होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो कि आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है, तो अपवर्तनांक यहाँ से ऐसे निकाल लेते, उसके बाद आर यहाँ पे ओवरऑल दिया हुआ है। तो बने रहिए माय इंडिया के साथ। माय इंडिया चैनल प्रॉपर रूप से आपके साथ लगा हुआ है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे साइन 60 अंश उसके बाद साइन 45 अंश, तो एन बराबर यहाँ पे दिया हुआ ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल दिया हुआ है, तो 60 डिग्री उसके बाद 45 15। तो यहाँ पे साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 एन बराबर उसके बाद 1/√2। तो यहाँ पे ओवरऑल ए अंडर रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एन बराबर अंडर रूट 3/2 ओवरऑल ए आ जाएगा, जो कि ये वायु है
है और ये द्रव्य है। तो बने रहिए माई इंडिया के साथ, माई इंडिया चैनल प्रॉपर रूप से आपके साथ लगा हुआ है। उसके बाद 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपतन कोण आई की ज्या एवं परावर्तन कोण आर की ज्या के बीच राफी संबंध को निरूपित करता है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ए मत मारिएगा, सी मत मारिएगा, डी मत मारिएगा, बी मार के आइएगा, जो कि आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2006 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आई और यहाँ पे आर, तो वो जो कि दिया हुआ है। तो कैसे तो इसका एक्सप्लानेशन देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित रंग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाए साइन तथा अपवर्तन कोण की जाए साइन का अनुपात नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई इसका तात्पर्य आर है, तब साइन इन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट यानी नियतांक। तो यहाँ पे दिया हुआ कि आपतन कोण आई परावर्तन आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात आई का मान बढ़ाने पर आर का मान घटता और आर का मान घटाने पर आई का मान घटाने पर आर का मान बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो 86 नंबर के प्रॉब्लम के बाद 87 नंबर के प्रॉब्लम पे आएंगे, तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो माध्यम ए बी के अपवर्तनांक 2 एवं √3 है। तो 2 एवं √ए से बी का अपवर्तनांक के लिए क्रांतिक कोण 60 डिग्री, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो 60 डिग्री जो कि आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2014 में पूछा हुआ है। तो कैसे, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ भी है क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तनांक 90 डिग्री होता है। मान माध्यम ए का अपवर्तनांक ए, माध्यम बी का अपवर्तनांक एन, माध्यम ए बी का सापेक्षिक अपवर्तनांक एन टू बराबर एन टू अपान एन वन बराबर साइन सी। तो यहाँ पे दिया है या साइन सी बराबर √3/2। तो यहाँ पे दिया हुआ है बराबर साइन 60 डिग्री, तो सी बराबर 60 डिग्री मार के आइएगा, जो कि यहाँ पे 87 नंबर का प्रॉब्लम है। तो 87 के बाद 88 नंबर के प्रॉब्लम को देखेंगे, तो बने रहिए माई इंडिया के साथ, माई इंडिया चैनल आपके साथ प्रॉपर रूप से लगा हुआ है। तो इसके बाद अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 है तो अपवर्तनांक के बाद कोण 30 डिग्री, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूत्र 2.0 होगा। तो ए मत मारिएगा, बी मत मारिएगा, डी मत मारिएगा, सी मारिए, जो कि आरआरबी बंगलुरु परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। तो यहाँ दिया किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित रंग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की या साइन तथा अपवर्तनांक कोण की जाए साइन का अनुपात नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई अपवर्तनांक आर है, तब साइन आई अपान साइन आर बराबर एन नियतांक। तो इस नियम यहाँ पे दिया है कि इस नियम को स्नेल नियम भी कहते हैं। तो एन बराबर साइन 90 अपान साइन 30 अंश बराबर 1/1/2/2, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 88 नंबर को हमने देखा, तो बने रहिए माई इंडिया के साथ, माई इंडिया चैनल आपके साथ प्रॉपर रूप से लगा हुआ है। तो 88 के बाद 89, व्यतिकरण की घटना को प्रमाणित करने के लिए हमें चाहिए तो क्या चाहिए? समान आवृत्ति के दो स्रोत जो विकिरण को निश्चित कला संबंध से उत्सर्जित करे। तो व्यतिकरण की घटना को प्रमाणित करने का हमें चाहिए तो समान आवृत्ति के दो स्रोत जो विकिरण की को निश्चित कला से संबंध से उत्सर्जित करे।
तो ए मत मारिएगा, बी मत मारिएगा, डी मत मारिएगा, सी मार के आइएगा, जो कि RRB चेन्नई परीक्षा 2010 में पूछा हुआ है। तो क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे। तो जब किसी माध्यम में एक प्रकाश की आवृत्ति दो तरंग एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उसे आपतन से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उस तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है जबकि कुछ बिंदुओं पर बहुत कम अर्थात शून्य रहती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 90 नंबर के प्रॉब्लम को देखेंगे, तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। तो माई इंडिया चैनल दिन रात आपके साथ लगा हुआ है, तो बने रहिए। यहाँ पे दिया कि जब प्रकाश की किरण हवा से वायु में प्रवेश करती तब इसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है। तो ए मत मारिएगा, सी मत मारिएगा, डी मत मारिएगा, तो इसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है, मार के आइएगा, जो कि RRB मुंबई परीक्षा 2005 में पूछा हुआ है। तो यहाँ दिया है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने बारे में विचलन होता है, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक की क्रिया में प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य की तीव्रता बदल जाती है जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। तीव्रता इस कारण से बदलती है क्योंकि अपवर्तनांक के साथ साथ प्रकाश का आंशिक परावर्तन पर अवशोषण भी होता है, जो कि यहाँ पे 90 नंबर के प्रॉब्लम को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे 91 नंबर के प्रॉब्लम को देखेंगे, तो 91 नंबर के प्रॉब्लम को तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। माई इंडिया चैनल प्रॉपर रूप से आपके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे 91 नंबर का प्रॉब्लम है कि एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है, तो यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें आभासी हैं। तो ए मत मारिएगा, सी मत मारिएगा, डी मत, जो कि RRB बिलासपुर परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। तो कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि समतल दर्पण पर आभासी किरण पुंज आपतित हो जिसका अभिसार बिंदु दर्पण के पीछे पड़ता हो तो दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब उसके सामने बनता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दर्पण हो गया। तो यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे जो कि दिया हुआ है। तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। माई इंडिया आपके साथ दिन रात लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद 92 नंबर की प्रॉब्लम को देखेंगे, तो वो बने रहिए। तो उसके बाद सूर्यास्त से पहले सूर्य गहरे लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि उसके प्रकाश को ज़्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आता होता है, इसलिए यह रंग यहाँ पे प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुँचते, जो कि RRB पटना परीक्षा 2007 में पूछा हुआ है। तो 92 नंबर के बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लानेशन करेंगे। तो जो यहाँ पे दिया गया है तो उसी को हम डिस्कस करें। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश हमेशा नेत्रों से पहुँचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर हो तो सूर्य से आने वाली प्रकाश बहुत दूरी तय करता है। यह तब होता है जब सूर्य क्षितिज पर हो। क्षितिज के सामने नीला तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकतम भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुँचने वाला अत्यधिक तरंग दैर्ध्य का होता है, अर्थात लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय या सूर्यास्त से आने वाली किरण लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। तो इसके बाद 93 नंबर की प्रॉब्लम को देखेंगे, तो जो कि RRB परीक्षा 2008 में पूछा हुआ, तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, तो अभिसारी लेंस। तो ए मत मारिएगा, बी मत मारिएगा, डी मत, तो अभिसारी लेंस मार के आइएगा, जो कि
आरआरबी परीक्षा 2008 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो दिया है कि अनंत से आने वाली किरणें उत्तल लेंस से में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होकर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है उस उत्तल की अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका प्रयोग कागज़ जलाने के लिए मैग्नीफाई ग्लास की भांति प्रयोग करते हैं। उसके बाद 94 नंबर के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। तो माई इंडिया चैनल आपके साथ दिन रात लगा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक धारा बढ़ जाती है। तो ए मत मारिएगा, बी मत मारिएगा, डी मत मारिएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक धारा बढ़ जाती है जो कि आरआरबी बंगलुरु परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। तो क्यों, तो इसका एक्सप्लानेशन देखेंगे कि प्रकाश की तीव्रता से संबंधित कुछ भी तथ्य निम्न है। तो कौन सा है, धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश पड़ने और इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। उसके बाद अगला दिया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। उसके बाद उत्पन्न प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। और इसके बाद 95 नंबर के एक आवर्धन लेंस या साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है जो कि आवर्धित अभी आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे ए मत मारिएगा, बी मत मारिएगा, सी मत मारिएगा, आवर्धित आभासी प्रतिबिंब मार के आइएगा जो कि आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2014 में पूछा हुआ है। तो कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि आवर्धित लेंस जिसे यहाँ पे मैग्नीफ्लाइंग ग्लास या हार्ड लेंस कहते हैं तो एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तुओं का आवर्धित सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसके बाद 96 नंबर के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणों के लिए आपतित कोण जो कि शून्य होगा। तो ए मत मारिएगा, सी मत मारिएगा, डी मत, जो कि आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2002 में पूछा हुआ। तो कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि अवतल दर्पण पर परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ वक्री होता है। गोला दर्पण का परावर्तन पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो वह आपतित कोण शून्य हो जाता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो 96 के बाद तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो अब तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे प्रॉपर आप ही को फ़ायदा होगा।